सीधा जेल से आ रहा हूं आप लोगों के बीच में। इन लोगों ने मेरे को जेल में डाल दिया, ऊपर वाले की कृपा है, लेकिन मेरे ऊपर ऊपर वाले का चमत्कार हुआ और मेरे को आपके बीच में आने का आज मौका मिल गया। सुप्रीम कोर्ट ने मेरे को 20 दिन दिए हैं, अंदर बहुत याद आई आप लोगों की, मैंने बहुत मिस किया आप लोगों को। मुझे पता है आप बहुत प्यार करते हो मेरे को, मैं भी आपको बहुत प्यार करता हूं। दोस्तों मैं सोच रहा था इन्होंने मेरे को जेल में डाला, मेरा कसूर क्या है? मेरा कसूर क्या है? मैं एक छोटा सा आदमी हूं, छोटी सी हमारी पार्टी है, दो राज्यों में है, पंजाब में दिल्ली में, ये तो बहुत ताकतवर लोग हैं। मेरे जैसे आदमी से इनको क्या समस्या है? मैं सोच रहा था मेरा कसूर क्या है। मेरा कसूर ये है कि मैंने आपके बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा का इंतजाम कर दिया, सही है कि नहीं है? मेरा कसूर यह है कि मैंने आपके बच्चों के लिए स्कूल बनवाए, मैंने आपके बच्चों का भविष्य बनाया। मैं सोच रहा था तुम तो इतने ताकतवर हो, असली बात तो तब होती केजरीवाल ने 500 स्कूल बनाए, तुम तो प्रधानमंत्री हो पूरे देश में, तुम 5000 स्कूल बनाते, तब तो बात थी, तब तो बड़प्पन था। तुम केजरीवाल ने 500 स्कूल बनाए, इसको जेल में डाल दो और स्कूल नहीं बनाने देंगे, ये क्या बात हुई? ये तो गलत बात है, इससे देश की तरक्की नहीं होती। मेरा कसूर ये है कि मैंने पहले दिल्ली में 10-10 घंटे बिजली नहीं आया करती थी, मैंने आपके लिए 24 घंटे बिजली का इंतजाम करा। तुम इतने बड़े आदमी हो, तुम्हारा बड़प्पन तो न था, तुम्हारा बड़प्पन तो था, तुम पूरे देश में 24 घंटे बिजली करते। मेरा कसूर यह है कि मैंने आपकी बिजली फ्री कर दी, पंजाब में भी बिजली फ्री कर दी, दिल्ली में भी बिजली फ्री, ये मेरा कसूर है। मेरा कसूर यह है मैंने पूरी दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक खोल दिए, आपकी सारी दवाइयां आपका इलाज मुफ्त कर दिए सरकारी अस्पताल। अब आप विडंबना देखो, दिल्ली के सारे लोगों की मैंने सारी दवाइयां मुफ्त कर दी, लेकिन जब मैं तिहाड़ गया इन्होंने 15 दिन तक तिहाड़ के अंदर मेरी सारी दवाइयां बंद कर दी। मैं शुगर का मरीज हूं, 20 साल से मेरे को शुगर की बीमारी है, रोज इंजेक्शन लगता है मेरे को पेट में, 52 यूनिट इंसुलिन लेता हूं रोज। इन्होंने 15 दिन तक तिहाड़ के अंदर मेरा इंसुलिन का इंजेक्शन बंद कर दिया, मेरी शुगर 300 पार कर गई, 350 पार कर गई। अगर शुगर ज्यादा हो जाए तो आदमी का लिवर खराब हो जाता है, आदमी का किडनी खराब हो जाती है। तो ये दिल्ली के सारे काम बंद करना चाहते हैं, अब ये कह रहे हैं दोबारा जेल जाना पड़ेगा। मैं दोबारा जेल जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा ये आपके ऊपर है। 25 मई को अगर आपने कमल का बटन दबा दिया तो मेरे को जेल जाना पड़ेगा, और अगर आपने इंडिया गठबंधन को जिता दिया तो मेरे को जेल जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारे डॉक्टर उदित राज हैं, डॉक्टर उदित राज यहां से खड़े हो रहे हैं। मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का इंडिया गठबंधन हुआ है, 3 सीटों पे कांग्रेस वाले लड़ रहे हैं, 4 सीटों पे आम आदमी पार्टी वाले लड़ रहे हैं, पता है आप लोगों को? इस सीट से, नॉर्थ वेस्ट की सीट से डॉक्टर उदित राज लड़ रहे हैं, डॉक्टर उदित राज यहां से लड़ रहे हैं। यहां पे आप लोग जब वोट डालने जाओगे ईवीएम की मशीन पे देखोगे तो जो झाड़ू वाले हैं वहां झाड़ू का बटन नहीं मिलेगा, इस बार झाड़ू वाले भी पंजे पे वोट डाल देना।
का बटन एक नंबर पे है, एक नंबर बटन और एक नंबर पे लेके आना इनको। तो अगर उस दिन आपने एक नंबर का बटन दबा दिया तो मेरे को जेल जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और बहन जी अगर आपने कमल का बटन दबाया तो मेरे को जेल जाना पड़ेगा। तो दोस्तों मेरा जेल जाना आपके ऊपर है। जब वोट डालने जाओ तो ये सोचना अंदर जब बटन दबाओगे केजरीवाल को जेल भेजना है कि नहीं भेजना, भेजना है कि नहीं भेजना, भेजना है कि नहीं। ठीक है दोस्तों, डॉक्टर उदित राज को भारी भरकम वोटों से जिताना, सातों सीट आम आदमी पार्टी की आनी, सॉरी इंडिया गठबंधन की आनी चाहिए। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 4 जून को मोदी जी की सरकार नहीं बन रही है, नहीं बन रही। ये कोई मैं जुमला नहीं फेंक रहा, मैंने कईयों से बात करी है, देश पूरे देश में फोन कर करके, कर्नाटक में फोन किए, बिहार में फोन किए, यूपी में फोन। अब आपसे पूछना चाहता हूँ, इनकी राजस्थान में कम हो रही है, कर्नाटक में कम हो रही है, महाराष्ट्र में कम हो रही है, यूपी में 10 सीट कम हो रही है, बिहार में कम हो रही है, बंगाल में कम हो रही है, झारखंड में कम हो रही है, दिल्ली में कम हो रही है, पंजाब में कम हो। तो सरकार कहां से बन रही है? सरकार इंडिया गठबंधन की बनेगी 4 जून को, इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और भारी तरक्की की तरफ लेके जाएंगे, तानाशाही खत्म करेंगे। ये लोग संविधान बदलना चाहते थे, इन लोगों के मन में बड़े खतरनाक मंसूबे थे, इन्होंने बड़ी गंदी प्लानिंग कर रखी थी। ये कह रहे थे ना 400 पार। तो कईयों ने इनसे पूछा खोद खोद के 400 पार क्यों चाहिए, तो बताया नहीं इन्होंने क्यों चाहिए। मोदी जी बड़े काम करेंगे, पूछा भाई क्या बड़े काम करेंगे, कुछ तो बताओ। तो अंदर से पता चला मोदी जी रिजर्वेशन खत्म करेंगे, मोदी जी रिजर्व, ओबीसी एससी इनका सबका रिजर्वेशन खत्म करने के लिए इनको 400 पार चाहिए। आज इनको 250 के टोटे पड़ रहे हैं। दोस्तों अपना देश महान देश है, अपने देश को बर्बाद करना चाहते हैं। बाबा साहब अंबेडकर शानदार संविधान लिख के गए थे, उस संविधान को खत्म करना चाहते हैं ये लोग। उसको बचाने की जिम्मेदारी एक एक आदमी के ऊपर है, आप लोगों के ऊपर है। दोस्तों केजरीवाल तो बहुत छोटा सा आदमी है, मैं जेल जाऊं ना जाऊं ये मैटर नहीं करता, ये मैटर करता है कि देश का संविधान बचना चाहिए और उसको बचाने की जिम्मेदारी एक एक आदमी के ऊपर है, आपके ऊपर। भारत माता की, वोट डालने सारे जाना, सारे वोट डालने जाना, धूप बहुत है लेकिन ये सोचना ये सबसे बड़ा देशभक्ति का काम है। ये चुनाव मामूली चुनाव नहीं है, अगर ये चुनाव गलती से भी ये लोग जीत गए, अगला चुनाव नहीं होगा भाई साहब, फिर देश में चुनाव होने बंद हो जाएंगे, तानाशाही आ जाएगी हमारे देश। भारत माता की।